तो ये इसका कोई ऐसा रास्ता ना हो कि भाई गांव में ना घुसे, गांव के मकान को ना धसे, ये इसका कोई रास्ता दे सर? इसका एक तो मैंने अभी बताई सर कि अगर अगर ये वाली स्कीम पर एक बार देख लेते हैं, बाकी सर एक ये जैसे पानी है हमारे नहर में जाता है, ये तो चला ये तो बता दिया आपने, तो आगे से गांव में दिक्कत ना हो, ये भी ऐसे फैल के जा रहा है ना सर, तो इसका सर हम ये सोच रहे थे यहाँ से रिचार्ज की स्कीम है। सरकार को मैं अपील करता हूँ, मेरा कुआ तीन बार नष्ट हो चुका है और मैं ये बचाऊ कहाँ से लाऊ, मैं पैसा भी नहीं इतने, अब और जाकर देखो जोड़ी के अंदर पानी जाया करता हूँ, पानी बिल्कुल जोड़ी के अंदर नहीं जा रहा, कुआ छिड़ता इधर में आ गया, बचाऊ मैं कहाँ जाऊँ, मेरी फसल आगे कहाँ से पानी दूंगा मैं, बोरिंग बिल्कुल नष्ट होगा, तीन बार बोरिंग नष्ट होता है, पहले बारिश में हुआ ये फिर होगा, जाकर देखा हाँ जी देखो देखो, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो अगर वो पानी को जोड़ी में गिर देता, जोड़ में चला जाता तो इतना मेरा कुएं के पास इतना पानी नहीं आता। पूरे गांव में कितना नुकसान है? तो पूरा गांव का ही नुकसान है इस साइड के पूरे। देखा देखा हो बला, अगर अपील कर रहा हूँ मैं मंत्री महोदय को भी अपील कर रहा हूँ, अगर जाकर देखो मेरा कुआ कोटी थोड़ा बहुत जुआब है कि मैं चल जुआब है, बता मैं कहाँ से जाऊँ, मैं क्या करूं, मैं डेढ़ किलो मेरे पास जमीन है, सिस्टम भी है जी है, तो उस पानी को जो बरसात का जो पानी है ना उसको यूटिलाइज भी हो जाएगा, हमारा जमीन रिचार्ज भी हो जाएगी, तो एक खड्डा बड़ा सा बना कर जो इस तरह के बरसात का पानी उसमें स्टोर करो। ठीक है सर, ये है सर हमने यहाँ पे तीन चार पॉइंट है, जगह देखा है सर, ये यहाँ के दो तीन गाँव की जो है जोड़ भी है, पूरे पंचायती जमीन भी है, जोड़ में कर लो, जोड़ में भी कर सकते हैं वो, और पंचायत की जमीन ले लो, उससे क्या है गाँव वालों को फायदा है भाई, पानी का जो लेवल है वो भी समस्या ये है, ये बाहर की तरफ बारिश का बाहर की तरफ से पानी आ गया राजस्थान की तरफ से, और पानी आपके कम से कम सैकड़ों ट्यूबवेल खराब हो गए बंद हो गए, और बाजरे की कपास की फसल खराब हो गई, गरीब आदमी जमींदार कन और कोई कमाई को ना, ये बताओ क्या करें, पानी उतर जाने दो, सारा आकलन करवा देंगे, जो भी नुकसान हुआ है मतलब जिस तरह का उसके सर्वे करा कर उसकी रिपोर्ट बना कर ऊपर भेजो सरकार, जो भी सरकार से जितनी भी उचित मदद हो पाए ऊपर करेंगे। इस तरह से पिछले दो दिन से काफी भारी बारिश हल्के में हुई है और उसकी वजह से काफी जल भराव हुआ है, तो उसी को देखने के लिए हम आए थे कि लोग कह रहे थे गांव में लोगों के मकान धस गए, खेती बर्बाद होगी और पानी का काफ़ी भराव हो गया, तो उसी सिचुएशन को हम ज़मीन पर देखने के लिए आ जाए थे और ये देखा है कि वास्तव में पानी काफ़ी भरा है, लेकिन अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी, माननीय मनोहर लाल जी बार बार कहते हैं कि भाई वाटर रिचार्जिंग करें, तो उसके लिए भी सरकार की पॉलिसी है और गाँव वालों से एक उचित जो जगह अधिकारी लोग बता देंगे उसमें उस पानी को इकट्ठा करके हम रिचार्ज वेल भी बनाएंगे और इंजेक्शन वेल भी करेंगे और ये जो पानी है इसको हम सदुपयोग करेंगे, इसका बर्बादी ना हो, तो एक तो ये था और दूसरा अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से अभी ये जल भराव की वजह से जो भी किसी का नुकसान हुआ है, चाहे मकान का, चाहे ट्यूबवेल धस गए हैं या कोई और कोई नुकसान हुआ है फसल का, वो सब ये उसकी वो करेंगे गिरदावरी करेंगे या उसका मतलब जांच करेंगे, जो भी जितना नुकसान है वो सरकार को रिपोर्ट बना के भेजें ताकि जो भी उचित मदद हो वो करवा सके। तो जब आगे किसी तरह का जलभराव ना हो, रेवाड़ी शहर की पर्टिकुलर बात करें कि जिस तरीके से लगातार दो दिनों की बरसात में जलभराव हुआ, उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध के निर्देश दिए? उसके लिए भी अभी डिश हाउस मैंने बात की थी कल और मैंने उनसे कहा कि भाई जो भी हमारी आपका स्टॉर्म वाटर की जो भी कहीं दिक्कत है, पानी बरसाती पानी कहीं रुकता है या उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, उसकी योजना बनाई जाए ताकि आगे भी रेवाड़ी के अंदर किसी तरह का जलभराव ना हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।